ऑफिस ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहिए, क्या बीस दिन लिखने दिखा? परफेक्ट सोल्यूशन है, आप ही ने कहा जी, परफेक्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब ही परफेक्ट सोल्यूशन है। और जैसे निखिल रुपरेल और सारी रुपरेल फैमिली, मेरे पुराने इनसे ताल्लुकात है और एक बिजनेस फैमिली है, बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये बंदा तो NSY से लेके हमारे साथ रहा, पार्टी के साथ रहा, और कल आए थे, उन्होंने कहा कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं जहाँ लीज आउट करेंगे कुछ कमर्शियल इसके लिए, कुछ अपने अपने जो कारोबार संभालने वाले आदि ऑफिस उनको दे देंगे, आदि ऑफिस में वो खुद बैठने वाले हैं। और वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ऑफिस करते हैं करके, तो मैंने कहा इस परिवार का ये ऑफिस है, कांग्रेस का ही ऑफिस है, हो सकता है कि मैं भी कभी आ जाऊँ, ये बड़ी खुशी की बात है। और द वे दे हैव डेकोरेटेड, द वे दे हैव यू नो डन अप द होल थिंग, आई मस्ट कंग्रेचुलेट देम, ऑल ऑफ देम, उनको बहुत बहुत बधाई, खास करके निखिल को बहुत बहुत बधाई कि एक जज्बाती कुछ हमारे बच्चे हैं NSY के, और वो जब आते हैं, मैं NSY से यहाँ तक आया हूँ तो उनके दिल में क्या चल रहा है मैं समझ सकता हूँ, चाहे जीतू हो, चाहे यहाँ NSY से लेके यूथ का अध्यक्ष था गणेश यादव, और अभी तो मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये सब बच्चे, हालांकि जब मैं 10 साल पहले देखता हूँ तो ये वही बच्चे थे, बहुत उछल कूद कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इन दिनों हम मुंबई कांग्रेस का मैं अध्यक्ष होने के बाद जो मैं बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दे विल नॉट हैव एनी कंप्लेंट इन दिस कमिटी फॉर श्योर, ऑन द कॉन्ट्ररी द अदर पीपल हैव द कंप्लेंट, दे आर सेइंग कि लॉट ऑफ यूथ has been given representation and all. I said ki okay fine, they are the future, of course Nikhil is the future, so I'm sure about it ki hum jo main kar sakta hu as a Mumbai ka adhyaksh, ek team humne banayi hai aur koshish kar rahe hain ki ek naye sire se party ko dobara Mumbai mein khada kare, jo pehle se hai हमारे खड़े करने से नहीं होता, ठीक है 19-20 चलता है, धूप चाव तो चलती है, पर धूप चाव का मतलब ये नहीं होता हकीकत दूर नहीं जाती। इसके पहले भी मुंबई कांग्रेस को बैरिस्टर रजनी पटेल जी ने, वो अध्यक्ष रहे, मुरलीबाई देवराज जैसे स्टॉन्गवर्ड्स रहे, हमारे कामत साहब, गुरुदास कामत साहब जैसे स्टॉलवर्ड जो कि हिमालय की तरफ ऊँचाई में थे, उनका नेतृत्व रहा, मुझे मौका मिला, उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता बट उनके नक्शे बदल कदम पे चलने की कोशिश करूँगा। और इसलिए मैंने जब ये कमेटी बन रही थी, मैंने ये इस बात को हमेशा ये किया है, जोर दिया है कि युवा और हम साथ में चलें, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ जोश और होश साथ में चले, हम लोगों में होश है उम्र के हिसाब से, इन लोगों में जोश है, तो वो लेके साथ में चले और मुंबई को एक अलग तरीके से हम करने की कोशिश करें। सर निखिल की बात को, निखिल जी ने मैंने देखा कोरोना का लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी समाज सेवा काम किया, काफ़ी कुछ किया, सैनिटाइज से लेकर राशन से लेकर काफ़ी बढ़ा भी है। मैं एक बात आपको हकीकत बता दूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ करके, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर रस्ते पर कौन था तो कांग्रेस के तिरंगे के सिपाही थे, ये हकीकत है। चाहे फिर निखिल ने जो काम किया है, यहाँ गणेश ने जो काम किया है, पप्पू ठाकुर ने काम किया है, जीतू ने काम किया है, हमने खुद ने पहले दिन का जो 21 दिन का जो लॉकडाउन रहा, 22 मार्च को जो देश के प्रधानमंत्री हमेशा की तरह जैसे जादू करते वैसे आ गए और मुझे 21 दिन दो, फिर बाद में फिर घंटा और थाली बाली सब हो गया, कुछ नहीं हुआ। पर हमारे लोग झोपड़पट्टी हो जहाँ भी हो, सैनिटाइजेशन का काम तो बड़े बड़े बिल्डिंगों में भी किया, निखिल ने किया,
यहाँ पप्पू ठाकुर इन्होंने किया, या हमारा रिडलान है, राजेश रिडलान है, गणेश है, हमने तो स्पेशली उसके लिए पंप खरीदे थे, आज भी है और आज भी हम सैनिटाइज करते हैं जहाँ भी हमें बुलाते हैं। तो उस दौरान कांग्रेस का तिरंगे का सिपाही इंक्लूडिंग भाई जगताप, हम सारे फील्ड पे थे, चाहे फिर लोगों को रेशनिंग का मामला हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का मामला हो, चाहे ये जो तिहाड़ी मजदूर रहे, मैं ये बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी फक्र के साथ ये कह रहा हूँ, लाखों तिहाड़ी मजदूरों को फ्री ट्रेनें, जितने ट्रेन हम लोगों ने ये किए हैं, भेजे हैं, और पूरी तरह उनको एक पैसे का भी उनको पैसा भरना नहीं पड़ा, कांग्रेस ने भरा, हमने भरा, और उनके गांव में जाने तक उनको जो 37 घंटे लगते हैं, 40 घंटे लगते हैं, तो दो दो दिन का पूरा खाना बाना दे के हमने, और फर्ज समझ के, ये कोई ये बात नहीं है, और मुझे इस बात का फ़क्र है, यहाँ से जो तिहाड़ी मजदूर जाता था वो लखनऊ में उतरता था, वो बराइच में उतरता था, वो और कहीं, तो उतर के सबसे पहले वो आवाज़ देता था महागाड़ी सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, और वो भी योगी के, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में और यहाँ बिहार में। तो ये हमने तो लोगों को कहा नहीं था, पर लोगों ने ये देखा, महसूस किया, आपने देखा होगा उस वक्त पैरों में छाले थे, परिवार सारे रोड पे चल रहे थे, कोशिश की हमारी आगाड़ी सरकार ने, मैं चूंकि मेरी यूनियन एसटी में है, स्टेट ट्रांसपोर्ट में, तकरीबन 12 लाख लोगों को महाराष्ट्र से बॉर्डर पे फ्री छोड़ने का काम उस वक्त एसटी ने किया, स्टेट ट्रांसपोर्ट ने किया, रेलवे से किए। तो इस देश का नागरिक को किसी भी स्टेट का हो, इस मुंबई में आता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आता है, और ये जो महामारी जो विश्व में है, ये कोई मुंबई में है, महाराष्ट्र में या देश में है, ऐसा नहीं है, उसके चैलेंजेस जो थे इन बच्चों ने और कांग्रेस के तिरंगे के सिपाहियों ने, हम सारे लोगों ने मदद करने की कोशिश। वो प्रॉब्लम ये है, ये कल का वाकया बताता हूँ, चलो कल ऐसा हुआ, देश के गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में थे और उनकी रैली चल रही थी, उनकी बहुत बड़ी सभा हो रही थी, और एक महिला उसी स्टेज पे उसको काला, उनको काला झंडा दिखाई दे रही थी, किसी भी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, हम लोगों ने वहाँ का हमारा सोशल मीडिया INC और मुंबई का सोशल मीडिया, हम लोगों ने ये सब लोगों को बताया, तो इतना आक्रोश आम लोगों में है, हम तो समझो विरोधी है करके नहीं मैं कह रहा हूँ, वो महिला कोई कांग्रेस की नहीं थी, उन्हीं के रैली में आई हुई थी, और जब उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया तो वो स्टेज पे चढ़ गई और उसने काला झंडा दिखाया उनको, तो ये आक्रोश अब जनता के मन में है मोदी जी के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ। तो हमारा तो फर्ज बनता है, मोदी जी पूछा करते थे ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो अब जो बेच रहे हैं वो क्या उनके घर से आया था क्या, कि उनके पिताजी ने बनाया था, जी नहीं, ये सारा कांग्रेस का बनाया हुआ है, तो उसको बेचने का काम वो सही कर रहे थे वो शुरुआत से। मैं तो चाय वाला हूँ, मैं बेचना ही जानता हूँ, कमाना तो कुछ जानते ही नहीं हूँ, इस देश की पूरी बर्बादी, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे आम आदमी हो, ये तो अभी भी हम लोग थोड़ा सा लॉकडाउन के डर से घर में कुछ हद तक, ये जब बाहर निकलेंगे, मैं बता रहा हूँ ये सरकारी आंकड़े हैं, इस देश के युवाओं की 12 करोड़ युवाओं की नौकरी चली गई है, और ये आंकड़ा सरकारी है, ये भाई जगताप का आंकड़ा नहीं है, चूँकि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यूनियन चलाता हूँ पूरे देश में, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, और मेरा चैलेंज है उनको, इससे झुठलाए इसको, इस आंकड़े को वो झुठलाए, लेकिन वो झुठला नहीं पाएंगे, इतनी हालत खस्ता हो चुकी है इस देश की, हमारा जिस बांग्लादेश की हमने निर्मित की, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने निर्मित की, वो बांग्लादेश का ये जो है GDP हमसे ज़्यादा है, इससे क्या है, इससे यानी बेकार क्या चीज़ हो सकती है, और फिर भी ये जुमलेबाजी कर ही रहे हैं,
देश हमारा इतना यहाँ गया वहाँ गया। तो मेरे ख्याल से अभी एक बदलाव की आंधी चल रही है, पांच राज्यों में जो इलेक्शंस है उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देगी। पर फिर एक बार आपके जरिए में भी मैं बताना चाहता हूँ, ये अगर आज जीत रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन के सहारे जीत रहे हैं। अगर मोदी जी को अपने लीडरशिप के ऊपर पूरा भरोसा है, अगर अपने कानों काम जो किए उन्होंने उसके ऊपर भरोसा है, अगर अमित शाह जी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ देश का जो है वो इस वक्त, तो आप हमारा चैलेंज स्वीकारिए, बैलॉट पेपर पे आके इस देश के किसी भी राज्य में, गुजरात में भी आप जीत के बताइए, चलो आप जीत के बताइए, हमारा चैलेंज है आपको। तो ये ईवीएम के सहारे ये जी रहे हैं, पर देखते हैं, देश की जनता चुपचाप नहीं बैठेगी, देश की जनता रिवोल्ट करेगी जो अब दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं।